प्रिय श्रोताओं, भाइयों बहनों, आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और बधाइयां। ज़रूर हर साल जब साल के अंत में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, वह एक त्यौहार न सिर्फ आध्यात्मिक त्यौहार, न सिर्फ क्रिश्चियों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के लिए, समाज के हरेक नागरिक, हरेक विश्वासी, किसी भी धर्म के विश्वासी हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इसका संदेश यह है कि ईश्वर मनुष्य के साथ निवास करता है। ईश्वर ने मनुष्य बनकर जन्म लिया, एक बालक के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने हम पर विश्वास करते हुए अपने आप को हमारे सुपुर्द किया और हमें सौंप दिया। और वह बालक भी एक साधारण गरीब बच्चे के अनुसार एक गौशाला में जन्मा, इसलिए कि वह गरीब से गरीब, समाज से टुकराए हुए लोगों को समाज के साथ एक कर दे, उनके साथ जोड़ दे। जब उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए बिताया, उसका भी यही उद्देश्य था कि ईश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है, विशेष रूप से उनसे जो गरीब से गरीब बच्चा है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो समाज से दूर है, जैसे कहते हैं निगलेक्टेड एंड रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, जैसे कोढ़ी, बीमार और अपंग लोगों को उन्होंने चंगा किया और समाज के साथ एक कमाने के लिए उन्होंने हर वर्ष प्रयत्न किया। इसलिए यह त्यौहार किसी का त्यौहार है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ जीते हैं, यानी हम भी ईश्वर के समरूप बनते हैं, ईश्वर का हम आभार मानते हैं, और हमें चाहिए कि हम भी प्रभु यीशु के समान भी अपने जीवन को दूसरों की सेवा में दिखाएं, भले कार्य करें और समाज को आगे उठाने की कोशिश करें, समाज को आगे बढ़ाने को और समाज की एकता के सूत्र में जोड़ने की हम कोशिश करें, जिससे कि समाज में प्रेम, शांति, भाईचारा फैले। और आज के माहौल में जब हम देखते हैं कि जैसे पापा फ्रांसिस कहते हैं, दुनिया भर में घने बादल छाए हुए हैं और दुनिया संकुचित बनती जा रही है, एक दूसरे से अलग हो रहे होते जा रहे हैं, मनुष्य अपने अपने घरों में बंद हैं, कोरोना 19 या कोविड 19 के बदौलत लोग डरे हुए हैं, ऐसे माहौल में ईश्वर का प्रेम हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना है, आशा के साथ जीना है और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को दूसरों के साथ बांटते हुए, उनकी मदद करते हुए आगे बढ़ना है और इस प्रकार दुनिया को और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करना है और समाज को उसी प्रकार प्रकृति को भी हम साथ में लेते हुए दुनिया को बदलने, दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। पर फिर सबसे महत्वपूर्ण है हर एक मानव की मदद करते हुए, मानव को एक परिवार के रूप में एक दूसरे में जोड़ देना। और फिर एक बार आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएँ और आने वाला नया वर्ष जरूर आशा का और बहुत ही प्रॉमिसिंग न्यू ईयर हो जाए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड ए प्रॉस्परस एज वेल एज प्रॉमिसिंग न्यू ईयर 2021। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।